बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जो अरुणभूमि पेज जो हैक हुआ था उसको खबर मिलते ही जानकारी लेने के लिए जो हमारे जो मीडिया साथी लोग बहुत आए, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बता दूं कल शाम 10 से 11 के बीच मैं 10:30 को अचानक मोबाइल खोलता हूं, उसमें अपना पेज को देखता हूं तो एक उसमें सबसे पहले एक प्लेग दिखाई देता है जिसमें ISI का एक प्लेग है, तो उसको हमने स्क्रीनशॉट करके रखा हुआ है। तो अरुणभूमि हिंदी पेज में निकलता है, मतलब दिखाई देता, वो हमारा मेन पेज है। तो मैं अचानक चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है कि अरुणभूमि हिंदी पेज में अचानक ISI का जो प्लेग जो है उसमें प्रोफाइल पिक्चर में लगा हुआ था। फिर मैंने अपना IT सेल को खबर किया कि ये ऐसे कुछ आया है, तो खबर हमको मिला है कि ये जो है हैक किया गया है। फिर उसके बाद हमने अपना IT सेल को बोला कि इसको जल्दी देखना है, बोला तो सब लोग बता रहे थे कि मतलब ये हैकिंग करने का जो है कोशिश कर रहा है। फिर जब वो फोटो को मैं भेजता हूँ अपने IT सेल को, तो उसके बाद ठीक तकरीबन 15-20 मिनट के बाद फिर मैं एक बार फिर पेज को खोलता हूँ, तो उसमें जो है सबसे ख़राब चीज़ मतलब वीडियोस आना शुरू हुआ कि हमको एक नोटिफिकेशन आया कि अरुणभूमि जो है लाइव चल रहा है, क्योंकि लाइव तो मैक्सिमम मैं ही चलाता हूँ, तो अचानक जहाँ पे मैं नहीं हूँ तो उसमें अचानक लाइव का जो है नोटिफिकेशन आ जाता, तो मैं चौंक जाता हूँ। फिर मैं खोल के देखता हूँ तो उसमें जो है जो वीडियोस आ रहे थे, उसके जो वीडियोस आ रहे थे तो विद इन सेकेंड में, आप मान लीजिए कि जब मैं देख रहा था 300 से अधिक उसमें जो है लाइव में देख रहे थे। तो कल ही हमने अपना जो फेसबुक पेज से भी हमने लिखा है कि जो भी हुआ है ये गलत हुआ है और ये अरुणभूमि टीम के तरफ से नहीं हुआ है और ये हैकर के तरफ से किया गया था जिसमें फोटोज अपलोड किया गया और जो है वीडियो चलाया गया लाइव। और हमारे IT सेल ने समय मिलते ही, समय होते ही मतलब तकरीबन 10 या 15 मिनट के ठीक बाद भी उसको जो है सभी जितना जो वीडियो अपलोड किया लाइव चल रहा था उसको रिमूव कर दिया। तो इसके चलते मैं जितने भी जो अरुणभूमि के दर्शक हैं और जितने भी जो आज जो मीडिया बंधु आए हैं, आप सभी तमाम दर्शकों को मैं जानकारी देना चाहता हूं कि जो कल जो फोटोज़ और जो वीडियो जो शेयर किया गया था, लाइव चला था अरुणभूमि पेज में, ये हमारे तरफ से नहीं हुआ है और ये हैकर के तरफ से किया गया है। और अच्छी खबर ये है कि हम लोगों ने जैसे भी करके अपना पेज को रिकवर कर लिया है और हो सकता है कि आने वाला जो 1 महीना या फिर जो लाइव हमको करना होगा ये हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फेसबुक की तरफ से हमको स्ट्राइक कर दिया गया, क्योंकि उसमें जो गलत वीडियोस आ गया और फोटोज़ आ गया, इसके वजह से हमको फेसबुक उसमें हमको स्ट्राइक करेंगे 1 महीना के लिए या फिर 2 महीना के लिए। लेकिन अच्छा बात है कि अभी हम वीडियो अपलोड कर पा रहे हैं। आखिर में मैं जितने भी जो दर्शक देखते हैं आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो उसमें जो कल जो लाइव चला था और फोटोज था ये हमारे तरफ से नहीं हुआ है, ये हैकर की तरफ से हुआ है। सर आपको क्या लगता है यहाँ पे हाल ही में जब आपने वीडियो बनाया था जी, क्या उसका कारण हो सकता है, क्या किसी ने करवाया होगा जानबूझ के, ऐसा हो सकता है सर? ये देखिए, ये पहले भी जब अरुणाचल जो समाचार है उन्होंने मुझे पूछा था लाइव में ही, तो हमने कहा था क्योंकि हम लोग फिल्मों में देखा है कि हैकर्स को क्या होता है कि जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं अलग अलग जो कंट्री का, क्यों जब हम लोग फिल्म या फिर बॉलीवुड कहे या फिर हॉलीवुड कहे उसमें फिल्म जब देखता है तो हैकर को जो है दूसरे स्टेट या फिर दूसरे कंट्री से हायर किया जाता है बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए या फिर ऐसे फेसबुक पेज को हैक करने के लिए हैकर्स मतलब जो है हायर किया जाता है। तो हमको लगता है कि ये हो सकता है कि हम लोग जो है सरकार के खिलाफ होता है या फिर जो सच को हम लोग दिखाने के लिए कोशिश करता है, तो इसको हैकर को हायर करके हम लोग को जस्ट बर्बाद करने के लिए भी किया होगा। लेकिन ये किया है बोल के हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन हमको लगता है ये कि इस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप फिल्में बनाइए तो इसका मतलब ये है कि हैकर्स को पैसा दे करके हैकर भी काम कर सकता है, मुझे ऐसे लगता है। सर क्या आपने FIR दिया इसके ये को लेकर, इशू को लेकर? FIR तो अभी तक मैंने नहीं दिया, क्योंकि हमने अपना जो मेरा जो अपना जो लीगल एडवाइज़र हमने उससे पूछा है, तो उसको हम अभी हमने बात भी किया है, उसका हम रात को ही हमने फ़ोन किया था, तो अभी हम लोग अपना तरफ से जो वीडियोस था उसको रिमूव कर दिया, इसका मतलब अभी वो मतलब पब्लिकली मतलब सर्कुलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कई कंप्लेन का गुंजाइश नहीं बनता है। लेकिन मैं आप शाम तक मैं कोशिश करूँगा कि जो अपना एडवोकेट को मैं जब इसको कंसल्ट करने गया था, अभी शाम तक मैं जो पुलिस जो साइबर क्राइम होगा साइबर सेल है उसको मैं अपना तरफ से मैं जो कंप्लेन हम लोग का तरफ से जो देना है या फिर FIR जो उनको बताना है इन्फॉर्मेशन देना वो चीज़ हम जरूर करेंगे शाम तक। ये तो पता करना पड़ेगा ना सर किसने किया, कल को कल और भी कुछ भी हो सकते हैं जी। ये एक हम लोग के लिए बहुत चुनौती है कि
अरुणाचल जैसे स्टेट के लिए बहुत चुनौती है ये। ऐसे हैकर्स जो है अलग कंट्री का या फिर अपना स्टेट का होता होगा, हमको तो ये तो हम लोग नहीं बोल सकते कि स्टेट का होगा या फिर बाहर का होगा, लेकिन ये पुलिस वाले के लिए भी जो साइबर जो काम क्राइम में या फिर साइबर सेल में जो लोग काम करता है उसके लिए भी एक चैलेंजिंग है कि आने वाला समय में अरुणाचल में धीरे धीरे ये हैकर्स का जो काम जो है बढ़ रहा है, इसका मतलब पुलिस को भी इसमें सजग होना पड़ेगा कि ये हैकर्स कहाँ से हो रहा है। अगर एग्जाम्पलरी अभी तक हैकर्स को अगर नहीं पकड़ा जाएगा तो हम लोग भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जो भी हैकर काल को किसी भी पेज को हैक किया जाएगा, किसी भी न्यूज़ चैनल को हैक किया जाएगा, तो ऐसे में हम लोगों को जस्टिस मिलेगा। तो इसीलिए पुलिस को इसमें सावधानी बरतनी होगी और ऐसे लोगों को पकड़ना होगा। थैंक यू।